नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल सैम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रेटेस्ट लेकर के आया हूँ, जो आने वाले बिहार पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे इस 40 प्रश्नों के प्रेटेस्ट में से आपको 25 प्रश्न सही करके जाना ही होगा। अगर आप 25 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को अपनी तैयारी का पता लग जाएगी, उनकी तैयारी बिहार पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना बिहार पुलिस परीक्षा का जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समय के तत्वों का बाहरी कोष किस प्रकार का होता है। तो किस प्रकार का होता है 18वें आवर्त सारणी के बाहरी तत्वों का कोष? तो ये होता है पूर्ण। कौन सा होता है? पूर्ण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम कौन है। तो कौन सी है प्रथम रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम? कौन सी है? तो ये है मुंबई टीम। कौन सी है? मुंबई टीम है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो किस ऊतक के कारण होता है पौधे में लचीलापन, ये आपको बताना है। तो ये होता है कोलेनकाइमा की वजह से। किसके? कोलेनकाइमा की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है। तो किस प्रकार का ग्रंथ है उपनिषद, ये आपको बताना है। तो उपनिषद है ये एक दार्शनिक प्रकार का ग्रंथ। किसका? ये दार्शनिक ग्रंथ है उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था। तो किस कुल से थे वासुदेव कृष्ण, ये आपको बताना है। तो इनका संबंध है विष्णु कुल से। किसे? विष्णु कुल से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वासुदेव कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है। तो किस उपनिषद में मिलता है वासुदेव कृष्ण का उल्लेख? तो इनका उल्लेख मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। किसमें? छंदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। तो कितना होता है गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक, ये आपको बताना है। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 31। कितना होता है? 31 होता है गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है हॉर्नबिल उत्सव? तो हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में प्रथम भारतीय सदस्य किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में? तो ये थे भारत के प्रथम सदस्य धीरू भाई अंबानी। कौन? धीरू भाई अंबानी, सॉरी धीरू भाई नहीं, दोराबाजी टाटा। दोराबाजी टाटा ये ओलंपिक समिति में प्रथम भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है। तो कौन सी हैं ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला? तो ये हैं करणम मल्लेश्वरी। कौन सी? करणम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो किसने किया था अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन? तो ये किया है वर्नर हाइजेनबर्ग ने। किसने? वर्नर हाइजेनबर्ग ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था नील विद्रोह ये आपको बताना है। तो नील विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है, तो कौन है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान, तो ये है साक्षी मलिक। कौन सी है? साक्षी मलिक प्रथम महिला पहलवान है ओलंपिक पद विजेता, तो ये है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है, तो किस धर्म से है बोधिसत्व का संबंध, तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, तो किस राज्य से है खेड़ा सत्याग्रह का संबंध ये आपको बताना है, तो इसका संबंध है गुजरात राज्य से। किससे? गुजरात राज्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो कब लागू किया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तो ये लागू हुआ था 1972 में। कब? 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, तो किस राज्य से है पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध, तो इसका संबंध है पश्चिम बंगाल से। किससे? पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया, तो कब लाया गया था लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव, तो ये लाया गया था 1963 में। कब? 1963 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बृहद संहिता के लेखक कौन है, तो कौन है बृहद संहिता के लेखक, तो इसके लेखक हैं बारहमिहिर। कौन? बारहमिहिर हैं। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से है फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध, तो इसका संबंध है एथलेटिक्स से। किससे है? एथलेटिक्स से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नौकरेक बायोस्पियर्स रिजर्व किस राज्य में है, तो किस राज्य में नौकरेक बायोस्पियर्स रिजर्व, तो ये है सिक्किम राज्य। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है शालीमार बाग उद्यान, तो ये स्थित है श्रीनगर में। कहाँ पर है? श्रीनगर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पंडरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो किस नदी के किनारे स्थित है पंडरपुर शहर ये आपको बताना है, तो पंडरपुर जो शहर है ये स्थित है भीमा नदी के किनारे। किसके? भीमा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र, तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में शुष्क खेती की सबसे प्रमुख फसल कौन है, तो कौन सी है भारत में शुष्क खेती की सबसे प्रमुख फसल, तो ये है बाजरा। कौन सी है? बाजरा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवनाथ किसकी सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है शिवनाथ ये आपको बताना है, तो ये सहायक नदी है महानदी। किसकी है? महानदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की भीमा परियोजना किस राज्य पर स्थित है, तो किस राज्य पर स्थित है भीमा परियोजना, तो भीमा परियोजना स्थित है पवाना नदी पर। किस पर? पवाना नदी पर स्थित है भीमा परियोजना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है
पूचमपाद परियोजना। तो पूचमपाद जो परियोजना ये स्थित है गोदावरी नदी पर, किस पर है? गोदावरी नदी पर स्थित है पूचमपाद परियोजना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अमृत जल धारा प्रपात किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है अमृत धारा जल प्रपात? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। किस में? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है अमृत धारा जल प्रपात, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपको बताना है। तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सुनामी किस भाषा से ली गई है? तो सुनामी जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया? तो ये लिया गया है जापानी भाषा से। किससे? जापानी भाषा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि नोम पेनाई किस नदी के किनारे स्थित है? तो नोम पेनाई किस नदी किनारे स्थित है? तो ये स्थित है मेकोंग नदी किनारे। किसकी? मेकोंग नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? तो ये स्थित है भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है आधुनिक क्रिकेट का जन्मदाता, ये आपको बताना है। तो ये माना जाता है डब्ल्यू जी ग्रेस को। किसे? डब्ल्यू जी ग्रेस को आधुनिक क्रिकेट का जनक माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है एक दिवसीय क्रिकेट का जनक यानी ओडीआई का जनक? तो ये माना जाता है कैरी पेकर को। किसे? कैरी पेकर को माना जाता है ओडीआई का जनक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान? तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है सुल्तान अजलन शाह कप? तो ये संबंधित है हॉकी से। किससे है? हॉकी से इसका संबंध है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बीजक किसकी रचना है? तो किसकी रचना है बीजक ये आपको बताना है। तो बीजक रचना है कबीर जी। किसकी? कबीर की रचना है बीजक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो किस राज्य में है मार्तंड सूर्य मंदिर ये आपको बताना है। तो कहाँ पर है मार्तंड सूर्य मंदिर? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है मार्तंड सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम और आज के पिट सेट का लास्ट प्रश्न है। तो ये स्थित है पाकिस्तान में। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट में ईमानदारी के साथ आपने कितने प्रश्न सही किए और आपका स्कोर क्या रहा है आपको कमेंट करके बताना है। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।